भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जहरे बहस ये मुद्दा। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें फिर झकझोर रही हैं हमें। भूख से बिलबिलाकर तीन नन्ही जानों ने दम तोड़ दिया है। ये मौतें हमारे सभ्य समाज के चेहरे पर जोरदार तमाचा हैं। इस तमाचे की झन्नाटे भरी आवाज के साथ हम न्यूज क्लिक के इस कार्यक्रम खबरची भाषा के साथ मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। We are against the death penalty. They pick up these political. हिंसा भड़काने के लिए आपको हर एक नोट पर एनजीसी यानी वाह मोदी जी वाह 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 देश की राजधानी दिल्ली के मंडावली की झुग्गी बस्ती में 8 साल की मानसी, 4 साल की शिखा और 2 साल की पारो भूख से तड़प तड़प कर मर गईं और उन्हें बचाने कोई नहीं आया। परिवार में 2 लोगों मानसी और उनकी मां के नाम पर आधार कार्ड था लेकिन राशन कार्ड नहीं था। पता चला कि भीषण गरीबी की चपेट में जी रहे इस बस्ती के अधिकांश लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। शहरी गरीबों की हृदय विदारक स्थिति का पर्दाफाश करने वाली इस झकझोरने वाली घटना ने मीडिया को भी हिलाया, अंदर से हिला दिखाई दिया हमें मीडिया। विस्तृत रिपोर्टिंग हुई, तमाम रिपोर्टर्स उस बस्ती में गए, वहां पे बातचीत की और जो चीज सामने उभर कर आई उससे यह पता चलता है कि इतने समय से गरीबी और भुखमरी सिर्फ यही परिवार नहीं बाकी तमाम परिवार जिस तरह की मुसीबतों को झेल रहे हैं वह अभी तक लाइमलाइट में आया ही नहीं, वहां तक मीडिया और जो सरकारें हैं वो पहुंची ही नहीं। इस बारे में मुझे लगता है कि ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक सरकारें क्या कर रही थी। अभी तक सरकारें ये करती हैं कि जैसे ही भूख से मौत की बात आती है वह मानने को तैयार नहीं होती। पिछले साल झारखंड में संतोषी की मौत के समय हमने देखा था कि झारखंड की भाजपा सरकार किस तरह से पूरी बेशर्मी के साथ इन मौतों को बीमारी से हुई मौतों को बताने पर तुली हुई थी। दिल्ली में हुई इन 3 बच्चियों की मौत पर इस तरह का झूठ नहीं रचा गया। लेकिन जो बड़ा सवाल उठा है जिस पर हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि तमाम विकास के दावों के बीच गरीबी और भुखमरी का ग्राफ आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है। गरीबों को जो सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाएं हैं उनसे बाहर क्यों निकाला जा रहा है, उनका एक्सक्लूजन क्यों हो रहा है। और खास तौर से इस घटना में भी यह सवाल उठा है कि जब उनके पास आधार कार्ड था तो बीपीएल कार्ड क्यों नहीं था। और उस बस्ती के लोगों ने बताया कि उनको राशन कार्ड नहीं मिला है। क्या यह एक सवाल पूरा जो एक्सक्लूजन चल रहा है गरीबों को दृश्य से बाहर निकालने का कि पता ही ना चले बीपीएल में जुड़ने के बाद होता है कि आपका एंट्री वहां पर एक गरीब के तौर पर होती है। सरकारी आंकड़ों में आप एक गरीब के तौर पर दर्ज होते हैं और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से सरकारें यह कोशिश कर रही हैं कि बीपीएल की जो सूची है वह कम होती जाए। मानसी, शिखा और पारो इसी तरह की जो अपैथी है, सरकारी अपैथी है, सरकार की जो पूरी की पूरी एक गरीबों को नकारने वाली रणनीति है उसका शिकार। दिक्कत यह है कि हम बतौर मीडिया कर्मी, हम बतौर भारतीय नागरिक, क्या जो शहरी गरीब है, जो अर्बन पुअर है, उसके बारे में तभी हम सोचेंगे जब मानसी, शिखा या संतोषी इस तरह की बिल्कुल दिल को तोड़ने वाली घटनाएं हमारे सामने आए? क्या किसी को बिलबिलाकर भूख से मरना पड़ेगा तब हम सोचेंगे? क्यों गरीब और गरीबी से जुड़े जो सवाल हैं वह हमारे आपके लिए प्राइम टाइम का सवाल नहीं है, प्राइम एजेंडे का सवाल नहीं है, ना पॉलिटिक्स का है और ना मीडिया का। यह सवाल अगर हमने आज नहीं सोचा तो देश में इस तरह के जो तमाम बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनके बारे में WHO और तमाम रिपोर्ट्स सामने कह रही हैं कि हमारा जो हेल्थ इंडेक्स है वो लगातार गिर रहा है, उसके बारे में सोचेगा कौन और नीति निर्धारकों तक पहुंचेगा कौन? यह सवाल आज हमें पूछना ही होगा। एक सवाल और जो इस पूरी घटना के साथ हमें पूछना चाहिए कि आधार को सरकार यह बता रही है कि जिसके पास आधार है उसके पास तमाम तरह की सुरक्षा है, आधार ही सबसे बड़ा कार्ड है, फिर सवाल यह है
कि यहाँ तो मानसी और उसकी माँ के पास आधार था, लेकिन अनाज क्यों नहीं था, उसको बाकी सुरक्षा क्यों नहीं मिली हुई थी? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आधार को जो ब्रह्मास्त्र मान के सरकार फेंक रही है गरीबों की ओर और यह बता रही है कि गरीब सबसे ज्यादा चोरी कर रहे हैं, उस चोरी को रोकने के लिए आधार काम आएगा, ये सरासर झूठ है। और इस झूठ को बेनकाब करती हैं ये तीन भूख से हुई मौतें। पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनका पूरा शासन काल रहा, पहली बार ये पूरी सरकार सदन के भीतर बुरी तरह से घिरी। केंद्र सरकार के खिलाफ TDP द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भाषण और भाषण के बाद उनका प्रधानमंत्री को गले लगाना मीडिया के लिए एक बड़ी परिघटना बना। इसके बाद राहुल गांधी द्वारा आंख मारने का फोटो भी खूब फुटेज पर कटा। इसे तमाम मीडिया घरानों ने अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के हिसाब से मन माफिक हेडिंग के साथ दिखाया। यह इस तरह से पूरी तरह चर्चा में रहा, लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, लोगों की हंसी मजाक, ट्विटर, सब कुछ चलता रहा इस बहस ने। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस बहस का जो एक बहुत अहम मुद्दा जो उसने राष्ट्र के सामने दोबारा रखा, वह था फ्रांस के साथ हुआ राफेल समझौता। सदन में इस बात की गूंज रही कि राफेल के जो 36 फाइटर विमान खरीदे गए उनकी कीमत क्या थी और मोदी सरकार को इसे बताना चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि आखिर क्यों कर सरकार ने जो पुराना समझौता राफेल का हुआ था UPA के समय, उसमें जो HAL पार्टनर था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो पार्टनर था, आखिर उसे क्यों हटाया गया, क्या आधार है। ये सारे सवाल इस बात के साथ उठे कि जो अनिल अंबानी जिस कंपनी को इस नए समझौते में जगह मिली है, क्या उसे जगह इसलिए मिली है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, जिन्होंने इस समझौते पे साइन होने से 10 दिन पहले ही अपनी कंपनी बनाई थी। संभवतः पहली बार हुआ कि एक बड़ा कॉरपोरेट घराना और उसे निशाने पर कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने लिया। क्रोनी कैपिटलिज्म का जो बदनुमा चेहरा है उसे बेनकाब किया गया। इस तरह की घटना पहले सदन में हुई हो ऐसा याद नहीं पड़ता। और ध्यान दीजिए कि किस तरह से रक्षात्मक हुई सरकार और उसने क्या किया। संसद में इस बहस के तुरंत बाद जिस तरह से फ्रांस के प्रतिनिधियों का यह बयान आया कि इसमें सीक्रेसी क्लॉज है, वो बताता है कि किस तरह से सरकार डरी हुई है या उसे लग रहा है कि कहीं कुछ न कुछ पोल पट्टी खुलने का पूरा चांस है। इसीलिए तुरंत फ्रांस की तरफ से लाया गया। लेकिन जो सीक्रेसी क्लॉज की बात की गई उसमें मीडिया ने यह नहीं बताया कि उस सीक्रेसी क्लॉज में कीमतें नहीं आती, उसमें बाकी चीजें आती हैं कि जो बाकी रक्षात्मक चीजें हैं, जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं, वो तमाम चीजें उस सीक्रेसी क्लॉज में आती हैं। और माफ कीजिए, प्रधानमंत्री से ये सब सवाल तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। बहुत ही सहज साधारण सा सवाल है जो सिर्फ सदन ही नहीं देश की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि खर्चा हमारी जेब से हुआ है, ये किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये इस देश की जनता का पैसा है जो राफेल डील में जा रहा है। तो हम जानना ही चाहते हैं कि आखिर किस कीमत पर आपने इसे खरीदा है। तो सरकार महोदय, आपको तो यह बताना ही चाहिए ना, अगर घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कीमत बताने में इतना झंझट क्यों और तमाम मंत्री अलग अलग ढंग के बयान क्यों दे रहे हैं। इससे यह लगता है कि राफेल एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये संदेह तमाम पत्रकारों को भी हो रहा है और वो बड़ी नेक सलाह सरकार को दे रहे हैं कि इसे बोफोर्स ना बनने दिया जाए, आप कीमत जल्दी से बता दो, नहीं तो कहीं ये BJP के लिए बोफोर्स ना बन जाए। लेकिन बतौर मीडिया कर्मी हम सरकार को यह नेक सलाह देने के बजाय यह पूछेंगे कि ये जो घोटाला है यह किससे बड़ा है, किससे छोटा है, सवाल उसका नहीं है, लेकिन यह जो गड़बड़ी है, यह जो पर्दादारी है, यह पर्दादारी क्यों है, किसे बचाने के लिए है, क्या यह अनिल अंबानी को बचाने के लिए है, क्या यह क्रोनी कैपिटलिज्म का जो नेक्सस चल रहा है उसे बचाने के लिए है, या जो एक राजा की तरह, मोनार्की की तरह जो पूरा भारतीय लोकतंत्र तब्दील हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से ही पुराने समझौते को रद्द करके नए समझौता करते हैं, उसको बचाने का है, किसे बचाया जा रहा है। PNB घोटाले, याद है आपको शायद, पंजाब नेशनल बैंक का एक घोटाला हुआ जिसके 2 मुख्य आरोपी फरार हैं, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। जी हाँ, वही मेहुल जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री प्यार से मेहुल भाई कहते हैं। तो हुआ यूं कि मेहुल भाई ने
एंटीगा नामक एक नए देश, एक जो देश है वहां पर नागरिकता ली है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। और उनके वकील ठीक उसी समय देश में एक जबरदस्त तर्क देते हैं, देश की अदालत में पेश करते हैं, और वो कहते हैं कि मेहुल जी इसलिए भारत नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं लिंचिंग मॉब, ध्यान दीजिए मेहुल भाई को डर है कि लिंचिंग मॉब उन्हें कहीं निपटा ना दे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर इस तरह से इजाफा करेंगे मेहुल भाई, शायद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन बात जो लिंचिंग मॉब की है, यह हमारे दौर की बर्बर हकीकत है। हम पिछले कई कार्यक्रमों में अपने देश को लिंचिस्तान में जो तब्दील होता जा रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें करना पड़ेगा क्योंकि घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान के अलवर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई, और इस बार पुलिस प्रशासन की गो आतंकियों के साथ जो साठगांठ है वह भी खुलकर आई। रकबर नामक व्यक्ति जो गाय ले जा रहे थे उन्हें गौ गुंडों ने घेरा, घेर कर मारा, वीडियो बनाया, और फिर बाकी काम तो पुलिस ने किया। ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे पता चलता है कि पुलिस किस तरह से उसे मार रही थी। और मुझे ये बात कहते हुए एक थोड़ा सा दिल को सुकून है कि इस बार मीडिया ने अच्छी रिपोर्टिंग का परिचय दिया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, अखबारों से लेकर टीवी न्यूज चैनलों में, जिनमें से कुछ को तो हमें हर हाल में ही छोड़ना पड़ता ही है और हम जानते हैं कि क्यों छोड़ना पड़ता है, लेकिन अधिकांश ने बहुत साहसिक ढंग से सच का साथ दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस घायल रकबर को 3-4 घंटे तक सड़क से लेकर थाने तक टहलाती रही, और उसके बाद 4 घंटे बाद रकबर को मरी हुई हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। और इस बीच पुलिस ने चाय पी, रकबर को नहलाया, कपड़े बदले और जमकर पीटा। बर्बर ढंग से जब पुलिस पीट रही थी, इसकी भी गवाही देने कुछ महिलाएं उस गांव के सामने आईं। तो ये है हमारे लोकतंत्र का भयावह चेहरा। इसमें पुलिस का कुछ कहना है और तथाकथित गौरक्षकों का कुछ और। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम और आप जितने फिक्रमंद हैं, लेकिन भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संसद के भीतर बैठे हुए नेता इसके बारे में उस तरह से चिंतित और परेशान नहीं है, बल्कि इसके उलट वे लगातार शर्मनाक किस्म के बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह की हिंसा चलती रहेगी। ध्यान दीजिए, वो कुछ और नहीं कह रहे। इसके लिए आप देख ही सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता हैं इंद्रेश कुमार और भाजपा के जो वहां के नेता हैं, उन्होंने किस तरह से खुलेआम कहा कि जब तक बीफ खाना बंद नहीं होगा ये हत्याएं रुकेंगी नहीं। यानी मामला साफ है, किसी को कोई संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ये हत्याएं चलती रहेंगी। उनका मकसद है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड चलता रहे, और इसके बारे में मीडिया ने खुलकर बात की, मीडिया ने रिपोर्ट किया, और उससे कम से कम हम ये सोच सकते हैं कि अब मॉब लिंचिंग जो हो रही है, चाहे वो गाय के नाम पर हो रही हो, चाहे बच्चा चोरी के नाम पर हो रही हो, उसके बारे में मीडिया गलत को गलत कहने को तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये भीड़ उसके अंदर तक घुस रही है, स्टूडियो तक आ सकती है, रिपोर्टर्स तक आ सकती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो लोकसभा में बहस की मांग हो रही थी, जहां पर विपक्षी नेताओं का कहना था कि यह मामला ऐसा है जिसमें खुली आम पुलिस प्रशासन सरकार शामिल है, इस पर चर्चा होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए कि लोकसभा की जो स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, क्या भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा और हत्या पर ही हम बात करते रहेंगे? क्या हमें और कोई काम नहीं है? बाकी सारा काम हम छोड़ दें? कितनी शर्म की बात है कि देश के नागरिक मर रहे हैं, और हमें लगता है कि एक घटना के बाद अगर हमने एक घटना पे चर्चा कर ली है तो हम अगली घटना पे क्यों चर्चा करें। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक मैसेज साफ है, हत्याएं होती रहेंगी जब तक जी हां, मुझे लगता है जब तक हम और आप यह बीड़ा नहीं उठाते कि लोकतंत्र, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले जो लोग हैं, जो तंत्र है, जो विचारधारा है, जब तक हम और आप मिलकर उसे चुनौती नहीं देते। यह बहुत जरूरी है आज के दौर में कि इस तरह के लिंचिस्तान में विश्वास करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाए
उन्हें बेपर्दा किया जाए और बताया जाए कि भारत में अमन पसंद लोग हैं और मीडिया कम से कम संविधान और कानून के शासन का रखवाला है, चौथा खंबा है। ये तमाम सवाल हमारे भीतर उबल रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और जो लोग इसका समाधान खोज रहे हैं उनकी भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय भारत में चुप्पी नहीं है, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। इन तमाम जो प्रयास चल रहे हैं इनके साथ खुद को जोड़ते हुए अब आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते फिर बात होगी, फिर हम करेंगे पड़ताल कि हमारा आपका मीडिया कहाँ खड़ा है और किधर खड़ा है और क्यों कर खड़ा है। We are against the death penalty. They pick up these political... हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह।